प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे डिज़ाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स में बेसिक वेल्डिंग सिंबल्स के बारे में। बेसिक वेल्डिंग सिंबल्स यानी कि मूलभूत वेल्डिंग चिन्ह। द बेसिक वेल्डिंग सिंबल्स अकॉर्डिंग टू IS 813-1961 रीअफर्म 1991 आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पर कुछ बेसिक वेल्ड सिंबल बताए हुए हैं। वेल्डिंग सिंबल और वेल्ड सिंबल में ये फ़र्क है कि वेल्ड सिंबल तो इस तरह से ये जो दिए हुए हैं वो होते हैं, और वेल्डिंग सिंबल जो होता है वो रेफरेंस लाइन एरो के साथ में बताता है कि कहाँ पर कितनी वेल्डिंग करनी है, उसमें डिटेल स्पेसिफिकेशन होता है। अब ये बेसिक वेल्ड सिंबल जो है वो यहाँ दिखाए हुए हैं। ये फॉर्म ऑफ वेल्ड है, ये सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से उसको सेक्शनली रिप्रेजेंट करते हैं, और ये उनके सिंबल्स जो कि वेल्डिंग सिंबल्स में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला है फिलेट। फिलेट या जिसको हम बैक जॉइंट भी बोलते हैं। अब फिलेट जॉइंट में, फिलेट में एक प्लेट यूँ रखी हुई है और इसके ऊपर एक प्लेट को यूँ रख दिया, तो यहाँ पर ये जो फिलेट है इस फिलेट में मेटल भर करके जॉइंट करेंगे, वेल्ड मेटल यहाँ पर आकर के ट्रायंगल शेप में, और ये एक फिलेट बनाएगा। तो इस तरह से जो वेल्डिंग होगी वो फिलेट वेल्डिंग कहलाएगी। इस फिलेट वेल्ड को हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जो सिंबल है वो ये ट्रायंगल है। तो कोई दो प्लेट को जॉइंट करना हो तो इस तरह से हम फिलेट वेल्ड के द्वारा एक दूसरे से परपेंडिकुलर पे, या लैप जॉइंट करना है तो लैप जॉइंट में हम इस तरह से ट्रायंगल बना करके, एक फिलेट बना करके, और ये फिलेट वेल्डिंग करते हैं। दूसरा है स्क्वायर बट। दो प्लेटों को एक दूसरे के सामने टक्कर में जोड़ने के लिए स्क्वायर बट काम में लिया जाता है। इस स्क्वायर बट में जो प्लेटों के कॉर्नर हैं, एजेस हैं, वो स्क्वायर हैं, इसलिए हम इसको स्क्वायर बट बोल रहे हैं, यानी कि वर्क बट। इस स्क्वायर बट जॉइंट को या वर्क बट जॉइंट जो है उसको दो लाइनों और इसके ऊपर एक आर्क के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है सिंगल वी बट। सिंगल वी बट में दो प्लेटों को जॉइंट करने के लिए उनके जो एजेस हैं उसको टेपर कर दिया जाता है, वी टेपर देख करके, और उसको फिर जॉइंट करते हैं, तो इसलिए इसको हम सिंगल वी बट बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक वी शेप बना हुआ है, तो इसलिए इसको हम सिंगल वी बट बोलेंगे। और इस सिंगल वी बट को हम वी और इसके ऊपर आर्क बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है दोहरा वी बट, यानी डबल वी बट। डबल वी बट में दो वी बनते हैं, एक ऊपर बनता है और एक नीचे बनता है। जब मोटी प्लेटों को वेल्ड किया जाता है तो उन मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए ऊपर से वेल्ड करेंगे तो नीचे तक वेल्ड मेटल नहीं जाएगा, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ऊपर से वेल्डिंग कर देते हैं और फिर बाद में नीचे से वेल्डिंग करते हैं, पलट करके इसको नीचे की साइड से वेल्डिंग कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो जॉइंट बनता है वो डबल वी बट जॉइंट बनेगा। तो डबल वी बट में दो वी होंगे, दो वी शेप होंगे, और इसको हम डबल वी बट बोलेंगे। पाँचवा है सिंगल यू बट। सिंगल यू बट में एक यू शेप होगा प्लेट के बीच में, देखिए यू शेप बना हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम सिंगल यू बट। दो प्लेटों के को यू शेप में काटा हुआ है, तो इस तरह से ये दो प्लेटों को ज्वाइन करेंगे यू बट के द्वारा। डबल यू बट में एक यू बट यू शेप ऊपर होगा और एक यू शेप नीचे होगा, तो इसको हम डबल यू बट बोलेंगे। सिंगल बेवल बट में एक प्लेट का किनारे को टेपर किया हुआ है, बेवल शेप की हुई है, इसलिए हम इसको सिंगल बेवल बट बोल रहे हैं। डबल बेवल बट में ऊपर और नीचे दोनों साइड में बेवल कट किया हुआ है, टेपर किए हुए हैं, इसलिए हम इसको डबल बेवल बट बोलते हैं। फिर है बेसिक वेल्ड सिंबल में सिंगल जे बट। सिंगल जे बट में यहाँ पर ये जे फॉर्म बनी हुई है, इसलिए हम इसको सिंगल जे बट बोलेंगे और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। डबल जे बट में एक ऊपर से जे शेप है और ये नीचे से जे शेप है, तो इसको यहाँ से ये सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। बीड या एज जॉइंट में दो प्लेट्स को एक दूसरे जॉइंट करते हैं किनारों को, और यह अर्चंद्राकार की शेप में आता है, इसलिए इसको बीड या एज जॉइंट बोलेंगे। ये जो बीड या एज जॉइंट है
इसका जो सिंबल है वो अर्धचंद्राकार का होगा। इसी प्रकार स्पॉट वेल्डिंग में दो प्लेटों को एक दूसरे से ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रोड आएगा और इधर भी एक इलेक्ट्रोड होगा, तो वो उसके हीट से यहाँ पर एक हीट फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, और इसके कारण ये मेटल पिघल करके इस तरह से स्पॉट बनाएगा, तो इसको हम बोलेंगे स्पॉट वेल्डिंग। और इसको दो क्रॉस के बीच में एक लाइन है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सीम वेल्डिंग में इस तरह से एक छोटा सा डार्क स्पॉट है, तो ये पिघला हुआ ये जो मेटल है ये मर्ज हो गया एक दूसरे में और इस तरह की शेप बनेगी, उसको हम सीम वेल्डिंग बोलेंगे। और इसको ये जो क्रॉस है तीन क्रॉस, इनके द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैश सीम में दो प्लेटें पहले इस तरह की हैं और जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये इस तरह का वेल्ड हो करके एक लाइन में आ जाएगा और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टिच में बीच में इस तरह से होगा और इसका ये सिंबल है। प्रोजेक्शन में मेटल को न्यू प्रोजेक्टेड कर देंगे और प्रोजेक्टेड करने के बाद में दूसरी प्लेट के ऊपर रखेंगे और इस पर दाब लगाएंगे। दाब लगाने के कारण ये क्या होता है कि इसमें यहाँ मेटल पिघलेगा और ये पिघल करके इस तरह से ये शेप आएगी, इसको ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा लास्ट है स्टैंडर्ड लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए वेल्डिंग सिंबल। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड IS 813-1961 द एलिमेंट्स ऑफ वेल्डिंग सिंबल शैल हैव स्टैंडर्ड लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। अब ये जो वेल्डिंग सिंबल है इसमें स्टैंडर्ड लोकेशन है, ये जो वेल्डिंग सिंबल है इस वेल्डिंग सिंबल में एक ये एरो होता है, ये एरो कनेक्शन कनेक्टिंग रेफरेंस लाइन टू एरो साइड ऑफ जॉइंट टू एच प्रिपेयर्ड मेंबर। जो मेंबर जहाँ प्रिपेयर जिस मेंबर जिस पॉइंट को हम प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ वेल्डिंग करनी है वहाँ पर ये पॉइंट जो है वो इंडिकेट करता है। तो ये एरो है जो जहाँ पर वेल्डिंग करनी है उसको ये इंडिकेट करेगा। इसके बाद में ये एक रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन में हम बेसिक वेल्ड सिंबल जो भी हमने ऊपर वेल्ड सिंबल डिस्कस किए थे तो कौन सी वेल्डिंग करनी है, यदि फिलेट वेल्ड करनी है तो ट्रायंगल लिखेंगे, स्क्वायर बट करना है तो ये लिखेंगे, सिंगल वी बट करना है तो ये लिखेंगे। तो इस तरह के ये जो सिंबल हैं इन सिंबल के द्वारा हम यहाँ पर ये सिंबल रेफरेंस लाइन के ऊपर या नीचे बना हुआ होगा, तो इससे जो वेल्डर है जो ऑपरेटर है वेल्डिंग करने वाला जो वर्कर है वो पहचान लेगा कि यहाँ पर किस तरह की वेल्डिंग करनी है। तो ये सिंबल रेफरेंस लाइन के ऊपर या रेफरेंस लाइन के नीचे होगा। इस सिंबल के लेफ्ट साइड में साइज होगा, तो उसमें साइज बता हुआ साइज मालूम होगा जिससे कि कितनी साइज की वेल्डिंग करनी है वो पता लगेगा। और यहाँ पर लेंथ ऑफ वेल्ड L जो है वो लेंथ ऑफ वेल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि यहाँ पर ये लिखा होगा कि कितनी लंबाई की वेल्डिंग करनी है, और ये पिच इसके आगे फिर ये पिच होगा। तो ये सिंबल के वेल्डिंग सिंबल वेल्ड सिंबल जो है उसके राइट हैंड साइड पे होगा। अनवेल्डेड लेंथ कितनी है या पिच कितना है वो मतलब दो वेल्डिंग के बीच में डिस्टेंस कितनी है वो ये बताएगा। इसके अलावा यहाँ पर यदि ये फ्लैग लगा हुआ है या डार्क लाइन है डार्क सर्किल है तो ये बताएगा कि वेल्ड फील्ड वेल्ड सिंबल मीन्स फील्ड में जाकर के वेल्डिंग करनी है, ये यहाँ वेल्डिंग नहीं करनी बल्कि फील्ड में जाकर ये वेल्डिंग होगी। और इसके ऊपर यदि ये सर्कल बना हुआ है तो वेल्ड अराउंड सिंबल मीन्स इसके चारों तरफ वेल्डिंग करनी है, जो जहाँ वेल्डिंग बताइए उसके चारों तरफ वेल्डिंग होगी, इसका मतलब यह है। इसके अलावा यहाँ एक टेल होगा, टेल में स्पेसिफिकेशन प्रोसेस या अदर रेफरेंसेज लिखे हुए होंगे कि उसके जो स्पेसिफिकेशन है किस तरह का प्रोसेस है वो और दूसरे रेफरेंसेस वो यहाँ पर लिखे हुए होंगे। इस तरह से ये जो बेसिक वेल्डिंग सिंबल है वो इस तरह से इंडिकेट करेगा कि किस तरह से वेल्डिंग करनी है, क्या साइज होगा, क्या लेंथ होगी, क्या पिच होगा। और फिर वेल्डिंग करने के बाद में यहाँ एफ जगह पर वो फिनिशिंग प्रोसेस बताएगा कि वेल्डिंग को फिनिश करना है किस तरह से, पेंट करना है या उसको ग्राइंड करना है, क्या करना है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेटर कार्य करेगा और ये काउंटर सिंबल होगा उसके नीचे। तो इस तरह से ये सारे डिटेल स्पेसिफिकेशन जो है वो वेल्डिंग सिंबल में होगी, बेसिक वेल्डिंग सिंबल में। तो ये स्टैंडर्ड लोकेशन ऑफ वेल्डिंग सिंबल है जिसमें कि ये सारा स्टैंडर्डाइज है और इससे अब वेल्डर को मालूम रहता है कि
किस साइज़ की वेल्डिंग करनी है, कितनी लेंथ में वेल्डिंग करनी है, एक पिच क्या रखना है, उसको फिनिश कैसे करना है और कौन सी वेल्डिंग करनी है, और उसके पूरे पूरे स्पेसिफिकेशन इसमें दिए होते हैं। पोजिशन ऑफ एरो इज ऑन द वेल्ड, एरो की पोजिशन वेल्ड के ऊपर होती है, जब कहाँ वेल्ड करना है। रेफरेंस लाइन हैव द बेसिक वेल्डिंग सिंबल ऑन वन साइड और बोथ साइड। ये जो वेल्डिंग सिंबल वेल्ड सिंबल है वो एक साइड में या दोनों साइड में ऊपर नीचे बने हुए हो सकते हैं। विथ साइज ऑन लेफ्ट साइड एंड लेंथ पिच ऑन राइट साइड, फिनिश सिंबल इज ऑन द टॉप, द स्पेसिफिकेशन इफ एनी इज प्लेस इन द टैब। नाउ रेफरेंसेस, ए टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिजाइन बाई आर एस कुर्मी एंड जे के गुप्ता एंड फ्रॉम इंटरनेट। थैंक यू।